शमशान घाट, तो आप वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, तो आपको वो दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे विवेक भाई और हमारे डायरेक्टर मैं दानू पी के जो हमारे साथ चल रहे हैं इस टाइम, तो हम लोग लगभग 10 मिनट में पहुँच जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग पास में रहते हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए भी अब हम लोग रिक्स ले कर काम कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन हो रखा है मेरे यहाँ तो शनिवार इतवार। तो भगवान की दुआ से मुझे पुलिस वाले ना मिले बस। एक बात बताने जा रहे हैं, हमारा न्यू सॉन्ग आने वाला है बेदर्दी से प्यार का सहारा नहीं मिला। वो गलत है, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया है। चलो कोई नहीं, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया है भाई, तो प्यार मतलब मेरे विवेक भाई को हो गया है, तो इनके ऊपर यही हमारे अगले सॉन्ग के हीरो बने हुए हैं। तो हमारी कल से शूटिंग चालू हो जाएगी और हमारे रानू डायरेक्टर साहब बड़े परेशान हो रहे हैं। इनको परेशान है ये शूट कैसे होगा। हमारी टीम सारी बिछड़ चुकी है, दोबारा से समेटने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम सब इधर उधर हो चुकी है, बिछड़ गई है, तो हम लोग दोबारा से उन्हें पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं थे अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन में, तो हम लोग घर पर बैठे थे। भाई इसके पास काम नहीं तो वो तो काम करेगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे भाई बंदे सब जॉब पर लग गए अपने अपनी, तो अब हम लोगों ने दोबारा से अब अपना काम चालू कर दिया है सॉन्ग का। तो हमारा सॉन्ग देखना, अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। और एक बात और, उस सॉन्ग की बात कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग जिससे हम लोग ने उम्मीद करी थी सालों ने, उनने हम लोगों को धोखा दे दिया है, उन्हें बाद में बताएंगे। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है आजकल लॉकडाउन में, हमारे रानू डायरेक्टर साहब लड़की के पापा बने हुए हैं। अब तो बस भगवान का सहारा है, हमारा आराम से काम चलना चालू हो जाए। तो आप लोग यार ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। खासियत है यहाँ पर जो मांगो वो मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है।
कब खुल रहा है आप देख सकते हो। ये हमारी भाई विवेक भाई हमारे साथ आए हुए हैं, रानू सर हमारे डायरेक्टर, जिनने आज मास्क सटा के दिखा दिया है कि अब देख लो आराम से हमारे दोनों मेंबर। तो अब हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ की पहली झूना। अब देख सकते हो यहाँ पे काम चल रहा है ओवर ब्रिज पे। नहाने का मन हो रहा है पर नहा नहीं सकते हैं भाई, गहरा हो सकता है, तैरना नहीं जानते, डूब गए तो। अरे आपको दिख रहे होंगे मछली पकड़ने वाले जाल लगाए हुए हैं यहाँ पर, और जमुना में पानी नहीं है। यहाँ पर इस मंदिर के पास आने के लिए आपको उदी मोड़ से भी आ सकते हो, त्रिपुर रोड है ये, और इटावा से भी आ सकते हो। इटावा से लगभग पास में पड़ जाता है, उदी मोड़ से दूर पड़ेगा, क्योंकि उदीपुर मोड़ से दूर पड़ता है। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा किला, सुमर सिंह किला सामने, जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर सुमर सिंह किला है। और आपको मंदिर दिखाते हैं सामने, गाड़ी यहाँ रॉन्ग साइड भी चल रही है यार। चल रही है आरती इस टाइम, और हमारे रानू सर जूते उतारने में लग गए, तो हम भी अपने जूतों को उतारते हैं। अब भाई दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी आरती हो रही है, आरती में हम लोग कैमरा चला नहीं सकते। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कुआ भी है, भाई यहाँ पे नहा भी रहे हैं पानी यानी भर भर के। तो अब हमारे रानू सर देखना उस्ताद पानी लगा रहे हैं कुएं में से। जरूर घूमने आए इस मंदिर में, जितने लोग इटावा के हैं, इटावा से सब भाइयों बहनों से मैं कह रहा हूँ, सब लोग घूमने आए इस मंदिर में, क्योंकि एक मंदिर बहुत सिद्ध है। तो आपको सबको आना है, सब घूमने आए यहाँ पर। शमशान घाट जहाँ पर है इटावा में, वहाँ से कुछ दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, शमशान घाट का सीधा रास्ता पकड़े चले आप मंदिर के पास आ जाओगे, एकदम मंदिर पास में है। और आप देख, मैं भी यहाँ कुछ अपनी मनोकामना लेके आया हूँ, मेरी पूरी हो गई ना, तो बस मैं भगवान को सब कुछ करूँगा जो मेरे मन में होगा ज़रूर। पर गाइस अब
बात होती है ना कुछ मन की, वो बताई नहीं जाती है। मैं आपको ज़रूर बताता पर मैं आपको बाद में बताऊँगा, जिस दिन मेरी मनोकामना पूरी होगी उस दिन मैं अपनी YouTube फैमिली को सबको बताऊँगा। मेरे दिल में बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है, वो मेरी पूरी हो गई ना तो मैं सबको बताऊँगा, वो पूरी आप लोग भी कर सकते हो मेरे, बस और कोई नहीं कर सकते। आप लोग सब साथ दो में आएगा तो आपके भाई की पूरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं उदास हो गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत सपना देखा था मैंने जो, वो पूरा हो नहीं पा रहा है मेरा। जिस दिन पूरा हो गया ना मैं बहुत खुश होऊंगा। और मैं मेरी YouTube फैमिली से मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाई अपने छोटे भाई को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल अपने भाई का, क्योंकि एक छोटा ब्लॉगर हूँ मैं, इतना बड़ा भी नहीं हूँ। इसलिए गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो छोटे भाई को। यार गाइज क्या करूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अभी छोटा छोटा न्यू है यार, इसलिए कहीं गलती हो जाती है तो अपने भाई की गलती माफ़ करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें। और गाइज प्लीज़ मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं।